ईद के एक दिन पहले इतना प्यारा मौसम हो चुका है, सब बड़े खुश हो रहे हैं। आखिरी अलविदा है और सब सलात तस्बीह की नमाज पढ़ रहे हैं, सभी नहा धो के तैयार हो गए हैं और मम्मी एक कमरे में, पापा एक कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं। वो देखे थे माँ, हम लोग एक घर के सामने जो रहते हैं ना, अरे शाने मामा ले जा रहे हैं ना, माँ चलिए ना आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी चैनल। कैसे हैं आप? जो उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो जी, जैसे मुझे पता चला कि कल जो है ईद है और आज चांद रात हो गई है, तो बस मैंने ना इन्हें लिया और लगभग 3 बजे ही मैं निकल आई थी कि नहीं, आज तो मुझे सारा काम निपटाना ही है। 2 बार हम गए थे रात में, लेकिन ना हमारे बहुत सारे काम रुक गए थे, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना था। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आई हूँ बैंगल्स के शॉप में, और यहाँ देखिए इतनी सारी बैंगल्स होते हैं, सारे शाइनी शाइनी बैंगल्स रहते हैं, चमकीले होते हैं बैंगल्स, ग्लिटरी, जो कि हम हमारे साइड पे बहुत पहनते हैं। तो मैंने यहाँ से अपने 2 ड्रेसेस का मैचिंग बैंगल्स लिया है, मम्मी के लिए लिया, और फिर बाद में दूसरे शॉप में जाके बेटी के लिए लिया। साथ में मम्मी के लिए दुपट्टा लेना था, जिसका वो मैंने बहुत जगह पे ढूंढा लेकिन नाम नहीं मिल रहा था। एट लास्ट जाकर आज मुझे मम्मी का दुपट्टा ही मिल गया। अभी हम लोग शॉपिंग करके आ गए हैं, साथ में शाने भी आया है हमारे साथ, यहाँ पर बाहर बालकनी बात कर रहा है शाने। और मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ, ये सबसे पहले चुका लेकर आई हूँ कल के लिए, जिसमें हम लोग इसमें फातिहे पढ़ते हैं, दूध रखते हैं, खजूर रखते हैं, और इसमें फिर फातिहे पढ़ते हैं। तो ये है कल के लिए। इसके बाद मेरे जो ड्रेसेस थे ना, इसका तो मुझे दुपट्टा नहीं मिला। मैं एक लेके आई हूँ नाइटी अपने लिए, बहुत गर्मी थी यहाँ पर, तो नाइटी ले लिया मैंने। और मम्मी के लिए दुपट्टा लिया मैंने मैचिंग का, मम्मी ने एक और दुपट्टा मांगा था, ये लिया। इसके साथ ये है मम्मी के लिए चूड़ी, ईद के लिए। और मैंने अपने इस ब्राउन ड्रेस के साथ, इसके साथ ये मैचिंग का चूड़ी लिया है मैंने, सॉरी ये नहीं है, ये तो है इसके साथ का, इसके साथ का, इसके साथ का, इस सूट के साथ का, ये जो ड्रेस है इसके साथ का, और इसके साथ ये है, ये लिया है बैंगल। साथ में फारी ने लिया है अपना मैचिंग बैंगल। एक और उसमें लिया है ये, देन उसने क्लिप लिया, फिर एक और बटरफ्लाई क्लिप, कुछ नहीं मिला था तो हम लोगों ने फिर ये ले लिया बटरफ्लाई क्लिप। एक ये क्लचर छोटा सा, और साथ में ये मेहंदी। गर्म करा हमने समोसा, क्या करना है, कैसे ले जाओ समोसा, इसमें कवर में समोसा लेकर आए हम लोग मार्केट से। यहाँ पर फेमस टिक्किया लेकर आए हम लोग, और कबाब और रोटी, ये कबाब और रोटी बहुत फेमस है यहाँ का। पकौड़ी बनाई है मम्मी, घुगनी है, और शरबत भी है, फूल गोभी की सब्ज़ी। हाँ हाँ, ये मोहितो देखी थी मैं उसमें यूट्यूब में, अच्छा लगे, नहीं लगे बड़े से हाँ, अच्छा ही लगे तो। मैम क्या आ गई नानी घर में? अंदर ऊपर जाओ।
तो इफ्तारी करने के बाद एक बार फिर से हम आ गए थे मेन रोड, क्योंकि दिल नहीं भर रहा था और आज चांद रात है, तो ये था कि आज यहाँ की रौनक ज़रूर देखेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग मेन रोड आए तो फिर ये लेकर आ गए हमें पंजाब स्वीट हाउस, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे फिर जब बेटी पापा से मिली अपने, तो बस उसने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की। और यहाँ पे देखिए, मीठे से तो पूरा हमारा ना टेबल भर गया था। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खासियत है कि ना, अगर आप कोई ये कहेंगे कि एक समोसा दो तो एक प्लेट देंगे जिसमें दो पीसेस होते हैं, अगर आप कहेंगे कि एक रसगुल्ला दो तो यहाँ पे आपको एक प्लेट मिलेगा जिसमें दो होता है। तो हम बहुत सालों के बाद इस तरह से खा रहे थे, तो थोड़ा हम भी भूल गए थे, तो मांगा था एक, मिला दो, तो काफ़ी सारा कुछ हो गया था। यहाँ पे साथ में खाया था हम लोगों ने फालूदा, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, जैसे सेवई था वो लेना था हमें, कंडेंस मिल्क लेना था, दूध लेना था, और इतनी ज़्यादा यहाँ पे रश हो गई थी ना कि मैंने कहा पापा आप चलते हैं, हम जो अपना लोकल मार्केट है वहीं पर शॉपिंग कर लेंगे, यहाँ पर चलने को जगह नहीं हो रही थी। तो बस यहाँ से हम लोगों ने सेवई लिया और फिर वापस हो गए। डोंडा मार्केट में फिर से, और फवाज गया है वहाँ पे चिकन लाने के लिए। फारिया वहाँ खड़ी है, फवाज भी खड़ा है, और शान यहाँ वॉक कर रहे हैं। और ये लेकर आए हैं हम लोगों के लिए पान, मीठा पत्ती जो बोलते हैं यहाँ पे।